हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। नया वीडियो आपको मिलता रहे इसके लिए जरूरी है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। में बात करते हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर से काफी लोग दुखी हैं और ऑपरेशन करवाने के बाद स्थिति और खराब हो जाती है, तो कोशिश करें ऑपरेशन ना करवाएं, दवा से ठीक हो जाएगा, खासतौर से होम्योपैथिक दवा से। होम्योपैथिक दवा से यूरेथ्रल स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए कई दवाइयां हैं, उसमें से आज एक मेडिसिन की बात करते हैं और जो कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर पर बेहतरीन तरीके से काम करती है, इसके सभी सिम्टम्स को कवर करती है। इस मेडिसिन को कैसे यूज करें उसके पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होता क्या है। तो देखिए, जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है, जो यूरेथ्रा है, उसका काम क्या है? यूरिन को बाहर निकालना। जैसे देखिए, यहां पे इस तरह से दो किडनी है, एक लेफ्ट में और दूसरी राइट में। तो किडनी यूरिन बना करके वो इकट्ठा कर देती है कहां पे? ब्लैडर में। तो मान लीजिए यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक, एक किडनी, एक यूरिनरी ब्लैडर, यहां पे यूरिन इकट्ठा रहता है। जब इसकी कैपेसिटी एक नॉर्मल लेवल से बढ़ जाती है, यानी इसमें यूरिन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तब इस यूरेथ्रा से ए है और यहां पे लास्ट वाला पोर्शन क्या है? पेनिस है, इस तरह से ऐसे। तो यहां से यहां तक ये पूरा पोर्शन क्या है? यूरेथ्रा, यूं समझ लीजिए। और ये वाला पोर्शन क्या है? पेनिस। ये पेनिस है, ये यूरेथ्रा है। बोलते हैं स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मींस वहां पे क्या है? अवरोध है कि पूरा पेशाब इधर से इधर निकल के नहीं आ पा रहा है। उसका जो सबसे प्रमुख कारण है, एक तो गनोरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, नेसीरिया गनोरी एक बैक्टीरिया है जो कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उस पर अफेक्ट करती है। तो यहां पे देखिए, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जहां से कुछ म्यूसलेज जैसा पदार्थ निकले, चिपचिपा पदार्थ का जो श्रावण करती है, शरीर के लिए जरूरी होती है, उसको बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। तो इस म्यूकस मेम्ब्रेन पर अफेक्ट करती है, उसी पर नेसीरिया गनोरी का संक्रमण हो जाता है। तो जब नेसीरिया गनोरी बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाएगा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उस पे, और उस म्यूकस मेम्ब्रेन से पस जैसा या फिर मवाद जैसा निकलने लगता है, वही पस या फिर मवाद ये जो रास्ता है, जो नली है, उसको ब्लॉक कर सकती है। तो देखिए, इनिशियली क्या होगा? इन्फेक्शन होगा। किसका? नेसीरिया गनोरी का। एक बैक्टीरिया है, तो इन्फेक्शन होने के बाद क्या करेगा? इन्फ्लेमेशन करेगा। एक प्राथमिक स्टेज है। इन्फ्लेमेशन में होगा क्या कि बार बार पेशाब लग सकती है, पेशाब करने पर थोड़ी जलन हो सकती है, दर्द हो सकता है। एक प्राइमरी स्टेज का है। उसके बाद जब इन्फेक्शन की सेंसिटिविटी जब बढ़ेगी, तब क्या हो सकता है कि जब चल रहे हैं तब भी यूरेथ्रा में पेन हो रहा है, चलते समय यूरेथ्रा में पेन हो रहा है, और यूरेथ्रा से पस जैसा या फिर कुछ डिस्चार्ज जैसा निकलता भी है कभी कभी। और पस और डिस्चार्ज जैसा निकल रहा है तो मतलब कहीं पे टिश्यू डैमेज हो रहा है, खासतौर से जब पस निकल रहा है। और जो पस निकल रहा है, टिश्यू डैमेज हो रहा है, और वही बाद में कुछ स्कार जैसा बना देगा। तो देखिए, इन्फ्लेमेशन हुआ, बार बार पेशाब लगेगी, जलन होगा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि म्यूकस आने लगा, म्यूकस और पस आता है। अब इस म्यूकस और पस कुछ दिनों के बाद जहां से पस आ रहा है ना, वहां पे स्कार जैसा बन जाएगा, बन सकता है। तो स्कार जैसा बन जाएगा, अब यहां पे कहीं पे भी अगर स्कार जैसा बन गया, मान लीजिए इस तरह से, तो रुकावट होगी, थोड़ा देर पेशाब लगी,
अगर आपने रोक दिया तो दिक्कत और बढ़ जाती है, क्योंकि पेशाब रोक देने के बाद इसमें यूरिन की मात्रा बढ़ जाएगी। जब यूरिन की मात्रा इसमें बढ़ गई तो तेजी से यूरिन निकलना चाहेगा और रास्ता सकरा, यूं समझ लीजिए सड़क पे जाम लग गया है, आप तेजी से जाना चाहते हैं तो और नहीं जा पाएंगे। तो यहां भी कुछ वैसे ही है। तो पहले इन्फेक्शन हुआ नाइजीरिया गनोरी का, फिर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा इस ट्रैक में, इन्फ्लेमेशन के बाद म्यूकस पस आने लगेगा, फिर और स्टेज में कॉम्प्लिकेशन में क्या बन जाएगा, स्कार बन जाएगा। तो लोग बोलते क्या है कि कैथेटर लगा के इसको हर तीसरे पांचवें दिन क्या करिए, होल को सही करिए, यहां से यहां तक कितनी बार आप सही करेंगे। इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ठीक करना जरूरी है, नाइजीरिया गनोरी के संक्रमण को, उसी के लिए होम्योपैथी में दवा है। तो देखिए अगर सिम्टम्स की बात करें तो क्लियर कट लिखा है एक्यूट इन्फ्लेमेटरी स्टेज ऑफ गनोरिया, गनोरिया की एक्यूट और इन्फ्लेमेटरी स्टेज, यानी अभी ताजा ताजा संक्रमण हुआ है। तो सिम्टम्स किस तरह से हैं, यूरेथ्रा वेरी सेंसिटिव टू टच एंड प्रेशर, जब चल रहे हैं तब भी यूरेथ्रा में दर्द करता है, पैर को थोड़ा दूर करके चलना पड़ता है, पैर को पास करके चलेंगे तो यूरेथ्रा में थोड़ा सा प्रेशर लगेगा, टच होगा दर्द करेगा। यूरेथ्रा वेरी सेंसिटिव टू टच एंड प्रेशर, कैन नॉट वॉक विथ लेग क्लोज टूगेदर, इट हर्ट द यूरेथ्रा, पैर एकदम पास पास रख के जैसा नॉर्मली आप चलते थे उस तरह से नहीं चल पाते हैं, यूरेथ्रा में दर्द करता है। और पेन एक्सटेंडिंग फ्रॉम यूरेथ्रा टू बैकवर्ड अप टू ब्लैडर, यानी पेन कहां से कहां तक बढ़ गया है, ये यूरेथ्रा है यहां वाला पोर्शन, यहां से ओपनिंग है, यहां से लेकर किस ब्लैडर तक आ गया है, यानी इस पूरे जो ट्यूब है इस ट्यूब में संक्रमण हो चुका है और दर्द यहां का यहां तक ट्रांसमिट हो रहा है, यानी जो संक्रमण है उसकी इंटेंसिटी कुछ ज्यादा हो गई है, इसीलिए यहां से यूरेथ्रा से कहां तक पहुंच रहा है, ब्लैडर तक पहुंच रहा है और जिगजैग टियरिंग पेन एलॉन्ग यूरेथ्रा करते समय और करने के बाद भी उसमें चुभने वाला दर्द होता रहता है, जैसे इस तरह से दर्द जा रहा है जिगजैग, यानी इस तरह से ऐसे ऐसे, तो जिगजैग टियरिंग पेन है पूरे यूरेथ्रा में, यानी यहां से लेकर के यहां तक। और मिक्टुरेशन इन स्प्लिट स्ट्रीम, लोग बोलते हैं कि पेशाब दो धार में आती है, तीन धार में आती है, दो और तीन धार में आने का मतलब जो संक्रमण है उसकी इंटेंसिटी कुछ और ज्यादा होने वाली है, हो चुकी है। और स्टॉपेज ऑफ यूरेथ्रा बाय म्यूकस एंड प्लग, पस जो म्यूकस है और जो पस है प्लग लाइक सेंसेशन कर देता है, जिससे रुकावट है, यहां पे तेजी से जोर लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है तो यहां वाला मान लीजिए यहां पे म्यूकस बना है तो आप जोर लगाते रहेंगे, धीरे 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 आएगा। लोग बोलते हैं 5 से 10 मिनट लग जाते हैं पेशाब करने में, कितनी खतरनाक स्थिति है ना, रात को आप जगे पेशाब लग जाए और यूरिनल में जाए और 5 से 10 मिनट लगे और काफी जोर लगाना पड़े, यहां वाला म्यूकस सड़क के जब यहां पे आएगा बाहर निकलेगा तभी तो पेशाब निकल पाएगी। तो ये सब एक बैक्टीरिया, जैसे बोलते हैं ना एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, यहां पे क्या है, एक म्यूकस पूरे आदमी का 5 से 10 मिनट पेनफुल दर्दनाक खतरनाक बना देता है। ये सब सिम्टम्स मोर आर लेस इसी टाइप के सिम्टम्स आते हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में। कई मेडिसिन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही मेडिसिन है, कई मेडिसिन है होम्योपैथी में। एज पर डिपेंड करती है बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है और उसके साथ और दूसरे कौन से सिम्टम्स लगे हैं, इन सब कई बातों पर डिपेंड करता है। आप इस मेडिसिन को भी ले सकते हैं अगर सिम्टम्स ऐसे मिलते हैं तो, और इसके अलावा भी और मेडिसिन है, इस मेडिसिन से भी आराम आएगा, अगर इससे नहीं आता तो और दूसरी भी मेडिसिन है, आप उनको भी वीडियो देखें। तो ये जो सिम्टम्स है, इस तरह की जो व्यवस्था है उसके लिए होम्योपैथी की बेहतरीन मेडिसिन है, आप उसको लीजिए। किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर मिलने की अधिकतम संभावना है इस मेडिसिन को, और उस मेडिसिन का नाम है कैनाबिस सेटाइवा। क्यों लें इसका 15 बूंद 3 टाइम, 1 महीने तक लेना है। पंद्रह बूंद 3 टाइम थोड़े से पानी में, नॉर्मल पानी में घोल के सुबह दोपहर शाम 1 महीने तक पीजिए,
उसके बाद इस क्यू की पोटेंसी को क्या कर लेना है, 30 कर लेना है, यानी मेडिसिन का नाम यही रहेगा, क्या नाम है, सेटाइवा ही रहेगा, लेकिन उसकी पोटेंसी क्या कर लें, 30 कर लें। उसको केवल एक टाइम सुबह में लें, 24 घंटे में एक बार सुबह में लें, और उसको भी एक महीने तक लें। तो इस कैनाबिस सेटाइवा से जो स्प्लिट स्ट्रीम आ रहा था, पेशाब करने में तेज दर्द हो रहा था, म्यूकस निकल रहा था, म्यूकस कुछ भी होता, किसी भी कलर का हो, सफेद हो, पीला हो, हरा हो, किसी टाइप का म्यूकस हो, उन सबसे मुक्ति मिलेगी। तो इस तरह से यूरेथ्रा स्ट्रक्चर की कई मेडिसिनों में से एक मेडिसिन की बात हुई और उसका नाम है कैनाबिस सेटाइवा। आपने पूरा वीडियो देखा, बात समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें, किसी न किसी का भला हो जाएगा आपके शेयर करने।